हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है मैथ्स और टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हम लोग मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सम सॉल्व करने हैं, जो मिक्स सम्स रहेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मिक्स सम्स रहेंगे। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये सब किसके रिलेटेड है और उसका आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली आज वर्कशीट पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पहले मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब सीख लिया है। ओके, सो अभी हम लोग डायरेक्टली हम लोग वर्कशीट पे जाते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको मिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की वर्कशीट दी गई है। लुक केयरफुली एट ईच ऑफ दोज टू सी व्हाट यू हैव टू डू। रिमेम्बर दे कुल बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। देखो यहाँ पे जो 16 सम्स दिए वो अलग अलग है, एक ही नहीं है। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन है तो सब मल्टीप्लीकेशन करना है, वैसे नहीं है। ओके, कुछ मल्टीप्लीकेशन के है, कुछ एडिशन के है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे है। आपको पहले सवाल अच्छे से समझना है, फिर आपको वो सॉल्व करना है। जैसे कि कुछ वर्ड्स है इसमें, मिनट्स, टाइम्स, डिवाइड, एड, टेक, ये वर्ड्स को आपको पहले समझना है और उसके बाद आपको उसका जवाब देना है। जैसे कि हम लोग, मैं आपको हर एक सवाल एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको वो आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो 4 × box = 8। तो ये सवाल सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसका आंसर 8 है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दी, 4 × यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। 4 × 2 क्या देगा आपको, 8 देगा। 4 × 2 = 8। ओके, अभी 28 − 3 = कितना। ओके, 28 − 3 कितना आएगा, 28 में से आपको 3 को निकालना है जो आंसर आएगा। यहाँ पे आपको माइनस मतलब आपको पता करना है, माइनस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन। ओके, 5 + 21 जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखना है, 2 × 5 = 2 × 5 मतलब 5, दो बार करने के बाद कितना आएगा, 5, 2 times कितना आएगा, 5 + 5 टाइम्स मतलब क्या, ऐड करना है। ओके, 5 times मतलब 2 times मतलब दो बार। ओके, सो क्या आएगा, 5, तो 5 + 5 जो आंसर आएगा यहाँ पे, −(2) = 8। कौन सा नंबर डिवाइड 2 से करने के बाद आपको आंसर 8 आता है। 6 × 10 10 6 बार। ओके, 6 × 10 क्या आंसर आएगा, डिवाइडेड 15/5 को आपको 15 से डिवाइड करना है। 7 × 7 = 14 19 + 16 क्या आंसर आएगा, 80 + 8 = 8 80 को क्या डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, किससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा। Divided − 5 = 7 कौन सा नंबर डिवाइड 5 से करने के बाद आपको आंसर 7 आएगा। 16 × 4 मतलब डिवाइड करना है आप। ओके, 18 में 3 और ऐड करना है। ओके, 20 − 19 20 में से कौन सा नंबर माइनस करने के बाद आंसर 19 लगा। 24 + 11 क्या, 24 × 0 = डिवाइड करना है। ओके, सो ऐसे करके आपको क्या करना है कि पूरा वर्कशीट सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे आपको फोटो सेंड करना है। मैं आपको इसके आंसर्स भी सेंड करती हूँ बाद में, आपको हर एक को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, शाम को मिलेंगे आपको आंसर्स। तो पहले आपको ये मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, हम लोग मीटिंग में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, मीटिंग में भी चेक करेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, किसी को डाउट रहेगा, नहीं समझ में आएगा, मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड बाय।